गुड मॉर्निंग कुश। गुड मॉर्निंग यशराज। गुड मॉर्निंग संदीप। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है जयपुर में भी। आई थिंक आज इतनी वो धुंध वाली ठंड तो आज ही पड़ी है। बिल्कुल फॉग फॉग हो रखा है हर जगह। मैंने जयपुर में इतना वो भी देखा नहीं है। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही है। अब ठंड है या नहीं है वो तो पता नहीं, वो तो बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा। पर हाँ, वो काफी है। अच्छा, बारिश वारिश हो रही है? नहीं, हर जगह ही हो रही है, शिमला हिमाचल इस साइड थोड़ा सा बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, उसकी ठंड है। उठने में दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? कितने बजे उठते हो सब? उठने में दिक्कत तो नहीं हुई सुबह कि भी क्लास है, उठना है 7 बजे? सेवन थर्टी? गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग। सबसे फास्ट फूड तो यशराज है। अच्छा, जी क्या पढ़ाई बताना, टॉपिक क्या रखें? कुश, निकिता, राहुल, संदीप, यशराज। बाकी आज फिर गायब है कुछ कुछ बच्चे। देखो, थोड़ा सा अगर अपन ईमानदारी से चले और देखें चैप्टर्स को, तो इसमें अपना मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन अपन ने अच्छे से कंप्लीट करा है, ठीक है? प्रोसेस, फंक्शंस वगैरह है, ये भी अपन ने अच्छे से देखे हैं। प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स हो गए अपना, मोटिवेशन, लीडरशिप, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ तक अपन ने अच्छे से कवर किया। मतलब एक बार नहीं, दो तीन, दो 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 तीन तीन बार है अपना कवर हो गया है, ठीक है? अब ये बताओ, इन चैप्टर्स में से कितने अच्छे से चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, और या फिर कहीं कोई दिक्कत आई हो समझने में, इस तरीके से कहीं भी कुछ रहा हो तो बताओ। बताओ। गुड मॉर्निंग सीमा। ये जो फर्स्ट से लेके और 8 तक का जो चैप्टर है अपने, इनमें से अच्छे से पढ़े हैं या फिर मैंने 2 बार पढ़ाया तो पढ़ा थोड़ा थोड़ा साथ में, समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत लगी इन चैप्टर्स में? बताओ भाई। अच्छा, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। गुड मॉर्निंग ईशिता। अब
अब एक तो है एंटरप्रेन्योरशिप, अपना चैप्टर नंबर 11 एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, नेचर है, इम्पोर्टेंस है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हैं। और एक ये है कि इन्हीं चैप्टर्स में से एक 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 क्वेश्चन अपन ले, बताओ। बताइए, एक तो ये है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप जो अपना चैप्टर्स है उसका बेसिक है वो डिस्कस अपन करें, या फिर इन्हीं में से एक एक दो दो क्वेश्चंस है वो अपन देखें, बताओ। फटाफट फटाफट जल्दी। क्वेश्चंस बाकी मैं देख लूँ, ठीक है। संदीप भी क्वेश्चंस कह रहे हैं, बताइए बाकी क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन निकिता भी क्वेश्चन, ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो अपने आए हुए हैं, रिपीट है या फिर जो मुझे थोड़ा सही लग रहे हैं। एक क्वेश्चन बताना, चलो। व्हाट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट बाय एसेप्शन, दो नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेसिक पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एसेप्शन, एमबीई। बताइए, आता है व्हाट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट बाय एसेप्शन। एक भी स्टूडेंट को नहीं आता, वेरी गुड। यहाँ पे स्क्रीन आई थिंक, अब क्लियर है आवाज वगैरह, बीच में स्क्रीन गई है। इसके बाद अगर किसी ने कुछ रिप्लाई दिया है तो अभी वो वापस करो। डिस्कशन डन इजीली बिटवीन बॉस एंड एम्प्लॉयज,
गुड मॉर्निंग संजना। और कोई क्या बेसिक पॉइंट्स थे एमबीई की, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की? अगर आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को सिर्फ डिफाइन ही तो करना है, सिर्फ बेसिक पॉइंट्स वाला है ये, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा ये कह सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करने के लिए इन लोगों ने लाइन ऐड कर दी, बाकी कुछ अलग से थोड़ी था इसके अंदर। ठीक है, पॉइंट वाइज अगर आपको बोला गया है तो आप पॉइंट वाइज ये लिख सकते हो, टाइम ऑफ मैनेजर इज सेम, वेरी गुड संदीप। सिंगल गोल अचीव कर सकते हैं, वेरी गुड। एक एक पॉइंट भी बताने बैठोगे ना तो भी हो जाएगा। यशराज कुश, एमबीई पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ध्यान है थोड़ा बहुत? फिर ये रहता है, हमें समझ में आ गया मैम, हमें समझ में आ गया। क्या समझ आया? What do you mean by strategic management? What do you mean by strategic management? कोई बात, what do you mean by strategic management? ये आता है? अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन विच इज डन ऑन कैरी बाई मैनेजर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा गया है? अबाउट द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन विच इज डन ऑन कैरी बाई मैनेजर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी मैनेजर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम कर रहा है, ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर टास्क को लेके आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, या फिर कोई भी डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रेटेजी बनाना है, फॉर्मल होता है, इट्स इट फोकस ऑर्गेनाइजेशन टू मेक स्ट्रेटेजी, वेरी गुड। स्ट्रेटेजिक में तो कुछ अलग से आएगा ही नहीं, कि भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्री प्लानिंग के साथ में चलना है। कोई भी मैनेजर है या कोई भी हायर अथॉरिटी है, टॉप लेवल वाले हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टास्क अपन कर रहे हैं उनसे पहले वो सभी जितना भी, मतलब जो भी पर्टिकुलर टास्क है उससे रिलेटेड जितनी भी एक प्लानिंग मान लीजिए या जो भी अपने को करना है, स्ट्रेटेजी अपन प्लान करके चलते हैं। जी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल कमेंट, दो नंबर का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल कमेंट। सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल कमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल कमेंट।
बिकॉज इट इज रन सेम एवरीवेयर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रुथ. मैनेजमेंट इज यूज्ड इन एवरीवेयर. ये सभी जगह माना जाता है. बिल्कुल सेम अप्लाई होगा. ठीक है, कहीं का मतलब सिर्फ इसमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो वहां का ऑब्जेक्ट अगर है या फिर वहां के रूल रेगुलेशन है, वहां से थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है. बाकी प्रिंसिपल्स में कभी कोई चेंजेस नहीं आते. इनको एक स्कूल प्रिंसिपल्स भी अपन कह सकते हैं. ठीक है, मैनेजमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स के नाम से भी अपन जान सकते हैं. और एक फंडामेंटल ट्रुथ है जो कि एवरीवेयर सेम जगह ये रन करेंगे. ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमबीओ? सिर्फ पर्पस पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा. ये कह रहे व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. क्या पर्पज है एमबीओ बनाने का भी? एमबीओ क्यों करते हैं? जिसको भी है, जिनको भी आता है कोई. यहाँ पे ये डिस्कशन का ये है कि भाई आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रहे. तो जिनको भी जैसा भी आता है आप रिप्लाई कर सकते हो. प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की. टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल गोल. वेरी गुड टिकिता. बेटर मैनेजमेंट. हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है कुश. वेरी गुड. टू मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट टू गेट द गोल इजीली फॉर गुड रिजल्ट. वेरी गुड. टू अचीव प्री डिसाइडेड गोल इन डिजायर्ड वे. ये भी बहुत अच्छा है. इसको अपन अगर अपने को डेफिनेशन पूछे तो भी अपन सेम लाइन लिख सकते हैं संदीप. ये अच्छा है. इट हैज ए क्लियरिटी टू अंडरस्टैंड. क्योंकि पहले से सब कुछ डिसाइड है, प्लानिंग है अपने साथ. एक अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू बिजनेस? व्हाट आर द बेनिफिट्स टू एडवर्टाइजमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू बिजनेस? एक ही लाइन में बताना है. संजनारी का इफेक्टिव कंट्रोल पहले वाले का है. ठीक है, ठीक है. इंक्रीज सेल्स एंड इनकम सबसे पहले सबसे बढ़िया पॉइंट है. इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज प्रॉफिट. व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू बिजनेस? इंक्रीज प्रॉफिट. राहुल का रिप्लाई आया. वेरी गुड. इट हेल्प बिजनेस टू स्टेबल इन मार्केट एंड इंक्रीज गुडविल एंड प्रॉफिट. वेरी गुड, वेरी गुड. एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एक्सप्लेन द इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजमेंट. 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है ये. एक्सप्लेन द इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजमेंट. आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताना, सिर्फ इतना बता दीजिए याद हो अगर कि इंटरपर्सनल रोल में क्या था. एक्सप्लेन द इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजमेंट.
फिगर हेड, लीडर, लीडर्स रोल, लायजन ऑफिसर, फिगर हेड। जी, तीन चीजें अपन इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, फिगर हेड का और लायजिन का कर लेंगे लीडर। ये बताइए, लीडरशिप इज क्रिएटिंग ए विजन, एक्सप्लेन। लीडरशिप इज क्रिएटिंग ए विजन, यस और नो? यस और नो? अब क्लियर है? ठीक जी, ये पहले के सारे जो है इसमें रिप्लाई वगैरह है वो थोड़े बहुत ही मुझे दिखते हैं। क्या है ये विजन मतलब? अच्छा, बताओ बताओ, ये तो इजी है। यस, बिकॉज लीडर थिंक्स फॉर फर्दर देन वर्क फॉर डिसाइडेड गोल विद विलिंगली, बिल्कुल अपनी मर्जी से, ठीक है, विद सबऑर्डिनेट्स। क्या बताना है? वेरी गुड यशराज। यस, लीडरशिप मस्ट हैड ए विजन टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन बिजनेस। ये बता दीजिए कि लीडरशिप इज क्रिएटिंग ए विजन, यस और नो? अपना अपना ओपिनियन आपको बताना है। इसी से रिलेटेड जस्ट नेक्स्ट भी यही पॉइंट है, देखना, एक क्वेश्चन जस्ट उसके बाद वाला है और सेम पॉइंट है,
इशिता कह रही है यस लीडर डिसाइडेड गुड गोल एंड टेल एवरीवन अबाउट दैट। यस 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 हाँ, अब यस 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 तो हम लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते ये भी क्यों हुआ है। नेक्स्ट इसी के देखना, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन एक और है। ये तो अपन ने ये था कि लीडरशिप इज क्रिएटिंग विजन एक्सप्लेन, और जस्ट नेक्स्ट वाला है हाउ लीडरशिप डेवलप द स्किल ऑफ मैनेजर। हाउ लीडरशिप डेवलप द स्किल ऑफ मैनेजर क्वेश्चन मार्क आगे। हाउ लीडरशिप डेवलप द स्किल ऑफ मैनेजर, कुछ भी अलग नहीं है, सेम। अब वो बताएंगे जिन्होंने नहीं बताया। कुश, यशराज, राहुल बताओ फटाफट। ये हर रिप्लाई बच्चे बेचारे ये देते हैं, बताओ ये वाला। गुड नॉलेज लेवल, हाउ लीडरशिप डेवलप द स्किल ऑफ मैनेजर। बिकॉज लीडर मैनेज एवरीवन एंड कंट्रोल देम। अब 6 मार्क वाले क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। अब एक्सप्लेन तो इतना हो नहीं पाएगा, तो आप मुझे ये बताना दोनों में से बेटर आपको कौन सा आता है, ठीक है। दो दो का ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, तो आप मुझे ये बताना कि मैम दोनों में से ये वाला हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे या दूसरा वाला हम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। आएंगे तो दोनों आपको, पर ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जाम में तो वही लिख के आओगे ना जो दोनों में से जो अच्छे तरीके से आपको आएगा। ये नहीं है आधा वो आ रहा है आधा वो आ रहा है, एक अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन आएगा वही आप लिख के आएंगे। दोनों में से एक एक ही लिखना है। पहला आप सेक्शन में देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैनेजमेंट प्रोसेस एक्सप्लेन इट्स फीचर। बताइएगा, सुनिएगा पहले, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैनेजमेंट प्रोसेस एक्सप्लेन इट्स फीचर। 6 मार्क में पहला क्वेश्चन ये है। इसी के ऑपोजिट में दे रखा है, व्हाट इज मैनेजमेंट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। दोनों चैप्टर अलग अलग नहीं है, वही मैनेजमेंट से आई हुई क्वेश्चन है। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। दूसरा कह रहे हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को आप थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करके देंगे, ठीक है। तो 6 मार्क में सीमा कह रहे हैं दोनों आता है, बताइए। दो आप, वेरी गुड संदीप। दोनों वेरी गुड, अच्छे से जो आता है आप वो बता दीजिए। दोनों आते हैं, दोनों मेंशन करो, दोनों आते हैं, वेरी गुड राहुल। राहुल तो क्या है, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, वरना तो सही दिमाग तो सही है। याद बहुत जल्दी होता है, मैनेजमेंट फंक्शन वाला आता है, वेरी गुड संजना, ठीक है। फंक्शन कौन सा ये रहा संजना, एक में तो अपने को ऑब्जेक्ट पूछे हैं मैनेजमेंट के और एक में अपने को मैनेजमेंट प्रोसेस पूछी है। फंक्शंस नहीं थे इसमें, एक में मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे में मैनेजमेंट प्रोसेस और उसके फीचर्स। मैनेजमेंट को ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। कुछ अपने को कौन सा आता है अभी, कुछ रिप्लाई कर रहे हैं तब तक अपन दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट दोनों भाई भाई भाई, आप ऑब्जेक्ट लिखोगे तो मेरे को भी वही लिखना है ऐसा।
अब सेकंड वाला जो है अपना, इसमें भी मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, ठीक है? तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो सुनिएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। पहला क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। दूसरा यहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब एक्सप्लेन द टेक्निक्स, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी टेक्निक का नहीं बोला है, जो भी टेक्निक है वो आपको करनी है एक्सप्लेन। और यहाँ पे सेल्स प्रमोशन के जो भी मेथड है, वो चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे कंज्यूमर से रिलेटेड हो, इन्होंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने को नहीं बोला है, डिफरेंट मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन सारे करने हैं एक्सप्लेन, ठीक है? तो पहला, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, एंड द सेकेंड, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यशराज को दोनों, निकिता सेकंड, सीमा दोनों आ रहे हैं, संदीप फर्स्ट वाला अच्छे से, ठीक है, कुश फर्स्ट वाला। राहुल दोनों, वेरी गुड, संजना दोनों, एक नंबर के क्वेश्चन है, वापस रिपीट कर रहे हैं, एक पेपर है वो आपका आया हुआ था ये, और इसको मैंने जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी है, बाकी इसमें क्या है, ज्यादातर 9 के चैप्टर, 10 के और जीएसटी के क्वेश्चंस हैं जिनको इग्नोर करना पड़ता है, अभी डिलीट करें आप लोगों के लिए, वरना तो बहुत क्वेश्चंस थे पूछने के लिए, बहुत ज्यादा। पर सबसे ज्यादा जो एक अच्छा मटेरियल था वो 9, 10 और 15 के चैप्टर से ही था, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो तो अब अपने को यूजफुल रहे नहीं है, इसलिए उनको इग्नोर करते हैं। पर नेम एनी टू हेल्पफुल पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट के दो पर्पस, पर्पस कह लीजिए उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, एक जैसा ही होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एनी टू पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, आधे स्टूडेंट ये बता दो, कुछ ये बता दीजिए, पहला जो पूछा है वो, कुछ स्टूडेंट ये बता दो कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, एक लाइन में बता दो, आधे आधे डिवाइड कर लो। कुछ बच्चे हैं वो ये बता दो कि कोई भी पर्पस मैनेजमेंट के, एनी टू, और आधे स्टूडेंट ये बता दीजिए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी में क्या क्या ऐड करा था। सीमा कह रहे हैं प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ये पहले वाले का है, वेरी गुड, डिवाइड कर लो अपने अपने अकॉर्डिंग, जिसको जो भी आता है फटाफट बता दो, मिला जुला सा आंसर बता दो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट क्या क्या ऐड करेंगे। राहुल फर्स्ट वाले का कह रहे हैं कंट्रोलिंग, क्या क्या है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्टिंग, ये फर्स्ट वाले का हो गया, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट, ये सेकंड वाले का, टू मैक्सिमाइजिंग द गुड्स, सेकंड वाला है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड मिनिमम कॉस्ट, सेकंड वाला, टू पे फेयर रेमुनरेशन, सेकंड वाला, वेरी गुड वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन, ये फर्स्ट वाले का हो गया। ऐसे दो क्वेश्चन अपने साथ साथ में ऐड हुए हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स गुडविल, एक्सप्लेन, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स गुडविल, एक्सप्लेन। अगर एडवर्टाइजमेंट से गुडविल इंक्रीज आपकी हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो आप एक्सप्लेन करिए, शॉर्ट में ही आप बताएंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि बहुत अच्छे से तो जब आपके सामने
ऑफलाइन जब पेन है कॉपी है आपके पास में, तब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यहाँ पे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, जितना इजी वे में आप लिख सकते हो उतना लिखिए। एडवर्टाइजमेंट से सभी को प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में पता चलता है, बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स गुडविल, एक्सप्लेन। एडवर्टाइजमेंट पर्टिकुलर एक ब्रांड को शो करता है, कंपनी को शो करता है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस या आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ठीक है। जब एक प्रोडक्ट है वो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, तो वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हो रहा है। तो ओवरऑल अगर अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है और कंज्यूमर उसका बेनिफिट ले पा रहा है, देन गुडविल इंक्रीज होगी। सेवा कह रहे हैं, बाय पब्लिशिंग गुड्स इन मार्केट मोर एंड मोर एंड अपलिफ्ट द सेल्स विच इंक्रीज द गुडविल ऑल्सो। वेरी गुड। सेल्स के साथ साथ क्या हो रहा है, गुडविल भी अपनी बढ़ेगी। बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट पीपल गेट टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट दैट इंक्रीज देयर ब्रांड नेम। ब्रांड हुआ, बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, इन बिजनेस रिस्क टेकिंग इज एसेंशियल, कमेंट। ये ओवरऑल ऐसा नहीं है, चैप्टर से रिलेटेड पूछ रहे हो किसी से भी, ठीक है। इसको अपन कहीं भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि अपन कॉमर्स वाले हैं। इन बिजनेस रिस्क टेकिंग इज एसेंशियल, कमेंट। बताइए। बिल्कुल, सबसे पहली और कॉमन लाइन है वो यही है, विदाउट रिस्क देयर इज नो प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। वेरी गुड निकिता। विदाउट रिस्क टेकिंग नो वन कैन डू द बिजनेस, बिकॉज विदाउट रिस्क देयर इज नो प्रॉफिट एंड विदाउट करेज नो बिजनेस। बहुत अच्छी लाइन है कि बिना रिस्क के कोई प्रॉफिट नहीं है और बिना करेज के कोई भी बिजनेस नहीं है, ठीक है। ये जो यहाँ पे निकिता ने, इशिता ने, सीमा ने और संदीप, ये जो अच्छी लिखी है, इन सबको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो रिस्क नो कैन डू द बिजनेस। वेरी गुड। व्हाई मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी की जरूरी क्यों है? व्हाई मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन है इस तरीके के। स्मूथ प्रोसेस हो जाता है, सो रन इट स्मूथली एंड प्ले इट्स रोल एंड रूल एंड रेगुलेशन इज इन वर्क। मैनेजमेंट से ही कंट्रोल होता है। बिल्कुल, एक इफेक्टिव कंट्रोल जो प्रोसेस है वो मैनेजमेंट से ही होता है। सही बोला है, वेरी गुड। बिकॉज विदाउट मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशन कांट वर्क प्रॉपरली एंड कैन सर्वाइव। बिल्कुल सही। एक लॉन्ग टर्म की अगर बात करें या एक अच्छी सक्सेस अपन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम जब तक अपन कोई भी काम के अंदर नहीं लेके आ रहे, अपन सर्वाइव नहीं कर सकते।
हर्ज़बर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, डिस्कस हर्ज़बर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, पूरा पहले पहले सुन लीजिए। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोला है, हर्ज़बर्ग की थ्योरी है, ठीक है। अब हर्ज़बर्ग की थ्योरी में मेन मेन पॉइंट्स क्या थे, सिर्फ नाम नाम लिख दो, सिर्फ नाम नाम। पहले तो थ्योरी कौन सी थी, क्या मेन पॉइंट रहा था थ्योरी का, सबसे पहले एक्सप्लेन करना वो जरूरी है। वेरी गुड, टू फैक्टर थ्योरी, हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा नहीं बोला है कि टू फैक्टर थ्योरी, या आप ही लोग यहाँ पे गेस करेंगे कि हर्ज़बर्ग की जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है। कहा गया है डिस्कस द हर्ज़बर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बस। राहुल वो एक्स और वाई थ्योरी, गुड एंड बैड वाली, वो एक्स एंड वाई थ्योरी, इसीलिए कहती हूँ बार बार मिक्स करके आ जाओगे सब जी। ये आप ही लोग गैस करेंगे कि हर्ज़बर्ग की थ्योरी कौन सी थी, टू फैक्टर थ्योरी, मैस्लोज नीड थ्योरी, मैस्लो नीड थ्योरी फर्स्ट वाली, हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थर्ड सेकंड वाली, ठीक है। और एमसी ग्रेगर की एक्स और वाई थ्योरी थर्ड है, और जेड थ्योरी लास्ट है, टू फैक्टर सेकंड वाली थी ना, जिसमें अपन ने अपर टू लोअर थ्री वाला नहीं करा था, जिसमें 200 इंजीनियर्स के साथ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपने अपनी जॉब पे रहते हुए सबसे अच्छा फील कब करा था, आपका अच्छा एक्सपीरियंस एंड आपका मतलब बुरा एक्सपीरियंस, बिल्कुल हाइजीन और मोटिवेटर्स, याद आया। वेन यू फील गुड एंड बैड इन योर जॉब, अब बताइए, ऐसे ही ऐसे कौन याद दिलाएगा वहां पे बैठे बैठे। लिख के आ जाओगे कुछ का कुछ। हाइजीन मोटिवेटर्स बताइए भाई, याद है थोड़ा बहुत। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। गुड या बैड तो एक्स और वाई थी ना, बिल्कुल एक्स और वाई थ्योरी, सही कह रहे हैं सिक्स नंबर वाले मार्क के कुछ कुछ क्वेश्चंस दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। देखना कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। पहला अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमबीओ एंड एमबीई, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमबीओ एंड एमबीई, ठीक है। इसी के ऑपोजिट में एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस और नेचर को एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर डिफरेंस बिटवीन एमबीओ एंड एमबीई, बताइए कौन सा करेंगे दोनों में से। ठीक मैनेजमेंट वाला, एक तो है डिफरेंस बिटवीन एमबीओ एंड एमबीई, एक्सप्लेन करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, 6 मार्क का क्वेश्चन है। एक है एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट वाला सेकंड वाला कुछ भी कह रहे, सेकंड वाला। वेरी गुड, फर्स्ट वाला एमबीओ और एमबीई वाला, एमबीओ, ठीक है, मतलब आता तो है। चलो अब देखो बार बार मैं वही चीज आपको, ये क्वेश्चन जो मैं रिपीट करवा रही हूँ, इन सबसे कुछ कॉमन आप लोगों को मिला, जो भी क्वेश्चन अपन इतने टाइम में डिस्कस किए हैं पहले की क्लासेस में भी अभी भी, तो उनमें कुछ कॉमन आपको नहीं दिखा कि
वही वही क्वेश्चंस है, वो लगभग लैंग्वेज चेंज होगी, वही वही क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक चीज मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, लीडरशिप से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मैंने कहा था एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन से आपके 6 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चन 100% है, वही आप देख रहे हैं। लास्ट वाले में भी अपन ने 6 मार्क में अभी डिस्कस किया था, ठीक है, 10 मिनट पहले। और अभी देखो इसमें भी वापस जो इस साल रिपीट हुए है उसमें भी यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन, व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस। लैंग्वेज चेंज हुई है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। ये तो आया सेल्स प्रमोशन में से। इसके ऑपोजिट में देखना कौन सा है, पहला ये था व्हाट इज सेल्स प्रमोशन, व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस, पहला क्वेश्चन। इसके जस्ट ऑपोजिट में है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। दोनों चैप्टर्स में से हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो अगर इतना पता चला है फिर भी नहीं पढ़ते तो क्या करोगे, बताओ, बताइए। व्हाट आर व्हाट इज सेल्फ प्रमोशन, व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस, एंड नेक्स्ट है इसी के ऑपोजिट में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट वाला देखो, दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा रहे हैं बार बार। सीमा भी एडवर्टाइजमेंट वाला कह रहे हैं, निकिता भी, यशराज भी। मेरे को लग रहा है सेल्फ प्रमोशन वाले चैप्टर से तो लगता है डर, और एडवर्टाइजमेंट लगता है इजी, ऐसा ही है क्या? सब लोग सेकंड वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करने का कह रहे हैं। सेम सेम है लेकिन एडवर्टाइजमेंट ज्यादा बेटर है। हाँ कुछ ज्यादा वो नहीं है डिफरेंस तो इसमें, पर हाँ जो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है वही आप देखें, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, उसके बाद क्लास कंप्लीट करेंगे अपन। देखना पहले हड़बड़ाहट में सुनना क्वेश्चन को, ठीक है। ये नहीं है टाइपिंग शुरू हो गई। व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ ए लीडर अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल। वॉट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ ए लीडर अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल ने कुछ अलग क्वालिटीज तो बताई नहीं है लीडर की, जो क्वालिटीज, अब वहां बैठ के ये नहीं सोचना कि भाई हेनरी फ्योल ने कौन सी लीडर की अच्छी क्वालिटीज बता दी थी, ठीक है। वहां पे जो लीडर की क्वालिटीज एक होनी चाहिए वही आप एक्सप्लेन करेंगे या वही आप मेंशन करेंगे। हेनरी फ्योल का नाम आप ऐड कर दीजिएगा, हेनरी फ्योल ने, क्योंकि लीडर की जो क्वालिटीज है वो तो बेसिक क्वालिटीज है। अब हेनरी फ्योल ऐसा तो नहीं है कि कुछ हटके वहां पे एक्सप्लेन करना चाहेंगी, ठीक है। तो आप हेनरी फ्योल की क्वालिटीज ये नहीं है कि कुछ अलग है, वही क्वालिटीज जो कि एक गुड लीडर की होनी चाहिए वही आप वहां पे ऐड कर देंगे। इस तरीके के अटपटे क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, इस तरीके का आ सकता है, ठीक है जी। नॉलेज हुआ, नॉलेजेबल हुआ, कॉन्फिडेंट, हेल्दी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, वेरी गुड। यहाँ कितने लोगों में है भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बताना। कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशनल स्किल, मैनेजरियल एबिलिटी, क्लेवर, फिजिकल क्वालिटी, कितने लोगों में है सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे। क्लेवर, फास्ट डिसीजन मेकर, कुछ में है भाई। कुछ का एक प्यारा सा इमोजी आया है कि भाई मैम हाथ उठा रखा है, मैम सीमा, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
मेरे में तो नहीं है, क्यों नहीं है भाई, वो भी बताओ क्यों नहीं है। इनिशिएटिव संजना, वो वाला एग्जाम्पल ठीक है, बढ़िया, कम है। मैम है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, चलो। आई होप यूजफुल रहे होंगे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप लोगों की बनी होंगी, जो ये क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं वो कभी ना कभी आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इन सबसे थोड़ा बहुत देखो प्रैक्टिस, मेरे अकॉर्डिंग तो यूजफुल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक है उससे स्टार्टिंग करेंगे, तो आज की क्लास कंप्लीट करें। ओके, बाय कुश। निकिता टाटा, बाय राहुल, बाय चिता। अगर आप सही हो तो डर किस बात का है भाई, गलत हो तो डर लगे, अगर सही है तो डर क्यों। कॉन्फिडेंस सिर्फ वही नहीं है कि डर लगना, कॉन्फिडेंस का ये भाई समझना, हर जगह आप खुद को खुद के लिए स्टैंड ले पाओ बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे तो बाकी लोग भी आपके लिए नहीं ले पाएंगे। अगर आप खुद के लिए आगे हैं तो बाकी भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिले, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस साथ साथ करते जाया करो, अच्छा रहेगा। बाय यशराज।